आप सबसे बोलोगे ये जेसो कलर मैंने घर पे बनाया, क्या आप सब बिलीव करोगे? तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम अशिका और आज हम बनाने वाले जेसो कलर। तो आज सुबह जैसे ही मैं क्राफ्ट वीडियो बनाने के लिए आई, मम्मी ने मुझे ये मटका पकड़ा दिया और उन्होंने बोला इसका कुछ बहुत ही कमाल का बनाओ। तो उसके बाद इस मटके को मैं अपने टेबल पे लेके आई और मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर कलर किया जाए। और जैसे ही मैं देखा कि मेरा कलर ही खत्म हो चुका है, तो दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पे बनाते हैं कलर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें चाहिए पीओपी पाउडर, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको इजीली स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। ध्यान रखिए, कलर बनाने के लिए आपको पेपर कप और वुडन स्टिक यूज करें। अगर आपके पास प्लास्टिक है तो वो भी अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 स्पून डालने के बाद देखिए मेरे पास दो ग्लू, तो एक है फेविकोल और दूसरा है फैब्रिक ग्लू। 2 स्पून यहाँ पे मैंने पीओपी के लिए है, 1.5 स्पून यहाँ मैंने फेविकोल के लिए और 1.5 स्पून मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू के। ग्लू डालने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। अगर आप सबके पास फेविकोल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर और इसको फटाफट मिक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप सबको सीखना है कि मैंने घर पे वार्निश कैसे बनाया, वो भी वाटरप्रूफ वार्निश, तो उसकी वीडियो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो जरूर देखना। और यहाँ पे देखिए, जिसके अंदर पूरा कलर खत्म हो चुका था ना, उसके अंदर इतना सा कलर निकला है। और उस जो बॉटल ना, उसको बिल्कुल वॉश नहीं करना है। उसके लिए मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। सो यहाँ पे देखिए, सारे कलर इसमें डालने के बाद एकदम व्हाइट कलर आ चुका है। आप इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हो और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैंने बहुत ज्यादा थिक रखी, क्योंकि मुझे थिक ही चाहिए था। और यहाँ पे देखिए, जो जिसमें कलर पूरा खत्म हो चुका था ना, उसी के अंदर हम ये पूरा डाल देंगे और साइड से जो भी कलर लगा है वो पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। कमाल का आइडिया है ना दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कमाल का आइडिया तुम्हारे पास कहां से आ सकती है? तुम इतनी बेस्ट क्राफ्टर हो। ये पूरा इसमें डालने के बाद हम लेंगे वुडन की पतली वाली स्टिक और इसको साइड साइड से अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी कलर है ना वो सारा मिक्स हो जाए और ये हमारा और व्हाइट कलर हो जाए। तो ये देखिए, मैंने कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा ठीक रखी है। सो हमारा ये जेसो कलर रेडी हो चुका है। आई नो कि ये एक्लेरी कलर के डिब्बे में रखा है। No. तो चलिए इसको ट्राई कर दे कि हमारा ये जेसो कलर कैसा बना है। तो यहाँ पे मैंने ये मटका ले लिया है, मतलब जो मम्मी ने दिया था। और आपको पता है, मम्मी और दीदी दोनों बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि ये मैंने कैसा बनाया है। सो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पतली कंसिस्टेंसी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, मैंने लेने के बाद ना, मैंने भगवान जी का नाम लिया, गणपति बप्पा मोरे, और मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सी डर रही थी, पर जैसे ही मैंने इसे फर्स्ट कोटिंग की ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी ज्यादा अच्छा बना। और दूसरी कमाल की बात है, ये वाटर प्रूफ भी। तो हमारा ये जेसो कलर बहुत ही अच्छा बना है। फ्रेंड्स, आपको पता है ऐसी वीडियोस ना आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो आपको इतना अच्छा। और देखिए, मैंने लाइव एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आप सब इसको जरूर ट्राई करना। मेजरमेंट फ्रेंड्स प्रॉपरली लेना तो आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। वैसे भी आपको तो पता है, मैं जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाती हूँ, अगर वो फेल होता तो मैं आप सबको पहले ही बोल देती हूँ कि फ्रेंड्स इसको बिल्कुल मत ट्राई करना, ये एंड में ऐसा रिजल्ट आएगा तो उसको ट्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर पता है, लिटरली मैं सचिन दादा घर में पता है सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सबको बहुत ज्यादा पसंद है कि मैंने घर पे इतना अच्छा बनाया, मतलब जो हम मार्केट में जो जेसो कलर खरीदते हैं ना, उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा बनाता है। आई नो कि मार्केट वाली चीजें थोड़ी सी अच्छी होती है, पर वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और घर वाली चीजें बहुत अच्छी भी होती है, टिकाऊ भी होती है लिटरली। तो आप सब इसको जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पूरा पूरे मटके को पता है मैंने पूरा पेंट कर दिया था, और उसके बाद भी ये कलर थोड़ा सा बढ़ा, तो मैंने इसके अंदर मटके के अंदर भी पेंट कर दिया और बहुत ही अच्छा आता। तो आप सब ने इसको डेफिनेटली, जैसे ही ड्राई हो जाएगा ना, मैं आपको ड्राई होने के बाद भी दिखाऊंगी कितना अच्छा बेस्ट रिजल्ट आया है। यहाँ तक अगर आप सब पहुंच चुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अमेजिंग वीडियोस के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने में ये बहुत ही कम समय लेता है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने जो बनाया था ना कलर, वो पूरा कलर खत्म हो चुका है। मैंने सारा कलर इसमें यूज कर दिया और साथ में मैंने अंदर साइड भी किया था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एकदम मार्केट जैसे होता ना कलर, सेम टू सेम वैसा ही। और इसको मैंने पूरा घर पे बनाया, बहुत ही पसंद आया घर में सबको। आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप सब ये ट्राई करोगे तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर देना। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।